दोस्तों केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए दो नई योजना की शुरुआत कर दी है, जिसका दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुका है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एक योजना के तहत दोस्तों सीधे 11,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। दूसरी योजना के तहत जितने भी ई श्रम कार्ड धारक हैं उनको दोस्तों रोजगार दिया जाएगा। तो ये दोनों ही योजना दोस्तों आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इन्हीं दो योजना के बारे में बताऊंगा, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे आपको लाभ मिलेगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों सबसे पहला जो स्कीम है, इसमें आपको 11,000 रुपए मिलेगा सीधे आपके बैंक अकाउंट में। इस स्कीम का नाम है पीएम मातृ वंदना योजना। इसके लिए आपको इस वाले पोर्टल पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पोर्टल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सिटीजन लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पर नाम आपको अपना टाइप कर लेना है, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। रूरल एरिया से हैं या फिर अर्बन एरिया से हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका विलेज है। रिलेशनशिप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, आप देख सकते हैं। एक बार दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है OTP को, और कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप इस पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले डाटा एंट्री के ऊपर क्लिक करना है। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने जो फॉर्म है ये खुलकर आ जाता है। ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, छोटा सा फॉर्म है, इसे आपको भरना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर लाभार्थी मीन्स गवर्नमेंट जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको हाँ सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आपको इसे नहीं पर रहने देना है। उसके बाद आवेदन के लिए, पहले बच्चे के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो पहला सेलेक्ट करेंगे, दूसरी बालिका के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरी बालिका सेलेक्ट करेंगे। यह योजना दोस्तों उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएँ गर्भवती हैं, तो के लिए दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से 11,000 रुपए की सहायता दी जाती है, तो यहां पर वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर महिला के पहले बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर दूसरी बालिका के लिए, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों महिला के पास पहले से कितने बच्चे हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, 1, 2, 3 जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। लाभार्थी के पास दोस्तों आधार कार्ड है तो हां सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको जो है उनका पूरा नाम टाइप करना है, जो नाम आधार कार्ड पर दिया गया है सेम टू सेम यहां पर आधार नंबर टाइप कर देना है। नीचे आएंगे तो यहां पर लाभार्थी का डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है कैलेंडर में से। उसके बाद यहां पर एज कैलकुलेट होके आ जाता है। अब यहां पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, SC ST जो भी है वो आप अपने हिसाब से यहां पर सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर आपको यहां पर टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां से नीचे आना है, यहां पर आपको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको सिंपली ई श्रम कार्ड को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ई श्रम कार्ड से आसानी से आपको जो है लाभ मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ई श्रम कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद ई श्रम कार्ड नंबर जो है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अपना जो ई श्रम कार्ड है उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का पूरा काम करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर MCP कार्ड विवरण आपको देना है, उसका डिटेल देना है। ये जो कार्ड होता है कुछ इस प्रकार का होता है, आंगनवाड़ी की तरफ से जो है ये बनाया जाता है। तो इस कार्ड का पूरा डिटेल जो है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे सभी, जैसे कि कार्ड नंबर हो गया, डेट हो गया, बस यही आपको यहाँ पर डालना है और ज़्यादा कुछ यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्ड डिटेल डालने के बाद नीचे आएंगे तो अगर बच्चे का जन्म हो गया है तो ऐसे में आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे, अगर जन्म नहीं हुआ है तो आपको इसे नहीं पर रहने देना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके बाद अगर जन्म हो गया है तो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, नहीं हुआ है तो आप रहने दीजिए। यहाँ पर बस आपको अपना पिन कोड टाइप करना है, एड्रेस आपको यहाँ पर अपना पूरा टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो आंगनवाड़ी है उसे सेलेक्ट कर लेना है,
कुछ इस प्रकार से। उसके बाद बस आपको यहाँ पर नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद कैसे आपको लाभ मिलेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली बार माँ बनने वाली गर्भवती महिला को मिलेंगे 5,000 रुपये, और ये जो 5,000 रुपये हैं ये दो मीन्स किस्तों में दिए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जब आप पंजीकरण करते हैं तो ऐसे में आपको 3,000 रुपये मिलता है, आप देख लीजिए। उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है और उसका आप टीकाकरण कराते हैं तो 2,000 रुपये, टोटल 5,000 रुपये मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद दूसरे कन्या शिशु के लिए मिलेंगे 6,000 रुपये। तो यहाँ पर ये 6,000 रुपये एक ही किस्त में मिल जाते हैं, तो टोटल दोस्तों यहाँ पर आपको 11,000 रुपये मिलेंगे। आधार DBT से डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको गवर्नमेंट के दूसरे स्कीम के बारे में बता देता हूँ जिसमें दोस्तों आपको ई श्रम कार्ड से रोजगार मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है NCS, ये लिखकर दोस्तों आपको सर्च कर देना है। पहला लिंक आएगा तो इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस प्रकार से ये पोर्टल जो है ओपन होके आ जाता है। अब इस पोर्टल पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्टर के ऊपर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको रजिस्टर एज सेलेक्ट करना होगा कि आप क्यों रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर जॉब सीकर सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको जॉब के चाहिए। उसके बाद यहाँ पर UID टाइप आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें दोस्तों आपको डायरेक्टली ई श्रम कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। ई श्रम कार्ड से लाभ मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना ई श्रम कार्ड नंबर टाइप कर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके ई श्रम कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, तो उसे आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ और अपना डिटेल डालना होगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम टाइप करना है, पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख लीजिए साइन इन हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ऑल जॉब सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आप जॉब करना पसंद करेंगे उस जॉब का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद जॉब आप कहाँ करना चाहते हैं, ऑल इंडिया में या फिर अपने स्टेट में, अपने सिटी में, तो उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट लोकेशन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लोकेशन का नाम टाइप करना है, कहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं, सिटी या फिर स्टेट का नाम। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च कर देंगे जो जॉब की लिस्ट है ना, इस प्रकार से आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये सभी जो जॉब है दोस्तों ये आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, ये सभी जॉब के लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यहीं पर आपको पूरा पैकेज देखने को मिल जाता है, जॉब कहाँ पर है और कितना दोस्तों आपको सैलरी मिलेगा, पूरा का पूरा जो डिटेल है, एड्रेस है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर आपको यह जॉब पसंद आता है तो ऐसे में यहाँ पर अप्लाई का बटन दिया हुआ है, इसी के ऊपर क्लिक करके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से दोस्तों इस श्रम कार्ड से आप ये दो स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एक स्कीम में सीधे 11,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा और दूसरे स्कीम से आसानी से आपको रोजगार मिल जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।